हेलो भाई। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, चल क्वेश्चन 2 को देखते हैं क्या। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इस सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले जानना है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 AC डिवाइड बाई 2A। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बी इसमें बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक स्टैंडर्ड। तो इसमें ए कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है क्या होता है, ए। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, कॉन्स्टेंट है सी। ये समझ आया होगा यहाँ से। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ आएगा सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है। 2x² माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल टू 0। हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें ए क्या है, ए इक्वल टू 2, बी क्या है माइनस 7, सी क्या है प्लस का 3। अब ए बी है, ये सी है। तो फार्मूला क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 AC डिवाइड बाई 2A। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है सभी की। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 7। अब ये क्या है, माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर। बी क्या है, माइनस 7, माइनस 7 का स्क्वेयर माइनस 4 AC। 4 इंटू ए क्या है आपका 2, सी क्या है 3 अपॉन में 2A। 2 ए क्या है आपका यहाँ 2 इंटू में 2। तो क्या निकल के आया, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वेयर क्या होगा, 49 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। 4 दूनी 8, 8 या 24 माइनस 24 डिवाइड बाई 4। तो क्या आया निकल के, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 4। तो बच के क्या निकला, 7 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 4। एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले एक्स इक्वल टू 7 प्लस में 5/4, ये लिख सकते हैं। एक बार माइनस लेंगे, 7 माइनस 5/4, 7 और 5 12/4 कितना आ जाएगा, 7 5 2/4 कितना आया, 3 और 1/2 एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 और 1/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसका। अब समझ आया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। उसे पार्ट क्या कहता है, 2x² प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है,
टू, बी क्या है प्लस का वन, सी क्या है माइनस फोर। अब एक्स इक्वल टू क्या है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म रखते हैं पहले, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है प्लस वन, तो क्या होगा माइनस वन प्लस माइनस वन का क्या होगा, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू में टू, सी क्या माइनस फोर इंटू माइनस फोर अपॉन में ट्वाइस ए, एक वैल्यू क्या है दो, तो टू इंटू टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में वन का स्क्वायर वन माइनस चार दूनी आठ, 800 का 32 माइनस माइनस का 32 अपॉन में फोर क्या होगा माइनस वन प्लस माइनस ये क्या बचेगा वन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 32 डिवाइड बाई फोर, ये क्या होगा माइनस वन प्लस माइनस रूट बाई 33 डिवाइड बाई फोर। और एक्स वैल्यू क्या आएगी निकल के, एक्स इक्वल टू माइनस वन इक्वल प्लस अंडर रूट 33 बाई फोर, और एक आएगी माइनस वन इक्वल माइनस माइनस वन माइनस रूट 33 बाई फोर, ये आपकी एक्स वैल्यू निकल के यहाँ पे दोनों। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड सेकंड का, 4x² प्लस में 4 अंडर रूट 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0। हेयर क्या गिवन है हमें, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 रूट 3, c इक्वल टू 3, x बराबर क्या रखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में फोर इंटू में थ्री डिवाइड बाई टू, एक वैल्यू क्या फोर, यहाँ क्या फोर माइनस में फोर रूट थ्री प्लस माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा चार का स्क्वायर 16, रूट थ्री का थ्री, 16 तीन 48 कितना आएगा 48 माइनस चार चौका 16 48 48 अपॉन में 8 8 क्या निकला माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस, इसमें क्या बचेगा आठ फोर्टी वन क्या है जीरो डिवाइड बाई एट। तो एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस फोर बाई थ्री बाई एट, फोर से कटेगा टू आर, तो क्या बचेगा माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू आंसर। एक्स वैल्यू क्या आई है करके माइनस रूट थ्री बाई टू, ये इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, 2x² प्लस में एक्स प्लस में फोर इक्वल टू जीरो। हेयर ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू फोर। यहाँ पे कुछ जब अगर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो हम मानते हैं वन, इसलिए वन ले रहे हैं हम हर जगह। यहाँ दिया होता वो तो हम वो लिखते हैं, यहाँ पर गिवन नहीं है तो वन लिया। अब एक्स इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बी की वैल्यू क्या है? 1, तो क्या रखेंगे? माइनस 1 प्लस माइनस बी की 1 का स्क्वेयर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? 2। सी की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है? 2। माइनस 1 प्लस माइनस उनका स्क्वेयर 1 माइनस 4 दूनी 8, 832, 32 डिवाइड बाई 4। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 1 प्लस माइनस 1 में 32 जाएंगे, क्या माइनस का 31 डिवाइड बाई 4। एक्स इक्वल क्या निकल के आई? एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस में माइनस 31 डिवाइड बाई 4। एक क्या निकलेगी? माइनस 1 माइनस 33 31 डिवाइड बाई 4। यह आप एक्स वैल्यू निकल के आएगी। आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 और 4 एक ही वीडियो में करके अच्छा गाइस, इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।